ओके, सो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कंपनीज कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ करके हमें ऑडियो सिस्टम बेच रहे हैं। तो ये वुडमैन का ऑडियो सिस्टम है, इसका नाम है वाव 360 DSP। ये साइट साइट पे मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में। ये मैंने लगाया है, स्कॉडा लॉरा है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने परचेज़ किया था 25,000 में, 26 अप्रैल 2003, टुडे इज़ 12th of May। तो इसको लगा के कुछ 10-15 दिन भी नहीं हुआ है। ओके, सो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं बताऊंगा पहले कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो डिवाइस इन्फो में जाता हूँ, एंड्रॉयड 12, 2 GB, 32 GB स्टोरेज, ये है उनका बिल्ड नंबर एंड ऑल रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड्रॉयड 12। तो ये सब जो यूनिट्स रहते हैं, जिसे एंड्रॉयड हेड यूनिट बोलते हैं, वो चाइना से बन के आते हैं, यहाँ कोई बनाता है नहीं। और जब ये यहाँ पे आते हैं तो बेचने से पहले उसको कस्टम रोम फ्लैश करते हैं ये लोग, ताकि अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक अगामा या टॉपेल उस पर डाल दें, और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। लाइक 2 GB है तो उसको 4 GB बना के भी बेच सकते हैं। इन माई केस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एंड्रॉयड 12 लगा हुआ है इसमें। तो जब ये कस्टम रोम डालते हैं तो ये API लेवल पे होता है, इसका जो चेंजेस होता है। इसका मतलब कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करें, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, CPU-Z, वन ऑफ द फेमस ऐप इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन। तो CPU-Z आप खोलते हैं, CPU-Z भी बोलते हैं इसे, तो वहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम में जाके, थोड़ा लैग हो रहा है सिस्टम। क्या हो गया इसको? ओके, CPU-Z सिस्टम, एंड्रॉयड 12। तो ये भी बता रहा है कि एंड्रॉयड 12 सिस्टम रन कर रहा है, दैट्स ओके। आगे देखेंगे, दूसरे भी ऐप है यहाँ पे, जैसे डिवाइस इन्फो, ये सब। तो ये भी बता सकते हैं कि ये भी बताएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कस्टम रोम से ट्वीक किया है कि एंड्रॉयड 12 है। पर इसमें एक्चुअल क्या है, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, वो मैं अभी कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका जो है वो है कि आप सेटिंग्स में जाओ, विंडोज सेटिंग्स, यहाँ पे आपको दिखेगा लोकेशन, लोकेशन पे टैप करें, ये देखो सिक्योरिटी अपडेट 2019, अभी चल रहा है 2023। जब इसको आप टैप करेंगे एंड्रॉयड वर्जन 9, इसको एक लास्ट अपडेट भी चेक करते हैं। ओके, लास्ट अपडेट 1:17 AM, ये देखो एंड्रॉयड 9 है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। उसका दूसरा एक मेथड है, वो है प्ले स्टोर में जाना, गो टू फीडबैक या हेल्प, तो इसमें जाके लास्ट में है सेंड फीडबैक, उसको टैप करना है। अभी यहाँ पे सिस्टम लॉग्स ऐसा कुछ दिखेगा आपको, तो देखो इसमें दिखा रहा है रिलीज इज 8, मतलब एंड्रॉयड वर्जन 8, SDK इज 28,
28 बहुत पुराना है, 2019 का SDK है, अभी 32 है। इसमें जो फ्लैश किया है रोम, वो बता रहा है डेमो 1GB 32। वैसे बता दूँ दिस चिपसेट 8AC8257, ये बहुत ओल्ड से चिपसेट है, बेसिक एंट्री लेवल का बोल सकते हैं। तो ये अभी 2023 में ये लोग बेच रहे हैं। आई पेड 25,000 फॉर दिस। हाँ ओके, बाय द वे ये 360 है, ये आप देख सकते हैं। इसको लेके टाइम हो गया है, 10 दिन हो गए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे कैलिब्रेट करके दो, पर उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखो, ये कैसा 360 है, इसको कुछ कैलिब्रेट ही नहीं किया है। एनीवेज, और एक मेथड है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहे हो, वो है फाइल्स में जाना। फाइल्स में आप जाओगे तो आई एम सॉरी, इसमें ये फाइल्स नहीं, सेटिंग्स में जाना है, स्टोरेज, स्टोरेज में यहाँ पे सिस्टम दिखेगा, तो सिस्टम क्लिक करोगे तो ये देखो, सिस्टम इंक्लूड्स फाइल, फाइल्स यूज टू रन एंड्रॉयड वर्जन 9। तो तीन मेथड है, पर अगर आपको चेक करना है कि आपको जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है, जो कंपनी से, वो करेक्ट वर्जन है कि नहीं, या फिर कुछ आपको लगता है कि आपका रैम कम दिया है, क्योंकि कैसे होता है 4GB रैम 6GB करके भी बेच सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझता है उसमें। तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हैं, ऐप स्टोर में जाना, ये एप्लीकेशन सर्च करना, फेक डिवाइस टेस्ट, इसको आप रन करोगे, वुडन टेक मच टाइम, 4-5 सेकेंड में ये देखो, इट सेज दैट द एंड्रॉयड वर्जन डिस्प्लेड बाय द डिवाइस इज 12, द एंड्रॉयड OS वर्जन फॉर दिस डिवाइस इज 9, क्लियर डिमेंशन। इसका आप ये भी देखो, लास्ट में एक समरी आता है, तो यहाँ पे भी वो लोग ने सेम दिया है, डिवाइस इज मॉडिफाइड फर्मवेयर टू रिपोर्ट फेक स्पेक्स। तो वुडमैन ने मुझे फेक स्पेक्स देके भेजा है ये, मैंने उनके सपोर्ट को भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। बाद में और भी इश्यूज है इसमें, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वॉल्यूम अप तो चल रहा है, पर अगर वॉल्यूम डाउन करे, कभी कभी चलता है, ये देखो, सर छोटे मोटे इश्यूज है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम स्लो है या फिर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने 2-3 मेथड्स बताए, ठीक है, तो देखते क्या करेंगे वुडमैन के ऊपर, वरना रिप्लेस होता है, डू आई हैव टू गो लीगल ऑन दिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दी लिंक फॉर दिस ऐप, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जाना है, फेक डिवाइस, तो ये देखो, ये ऐप यूज़ करके देखो, कमेंट में बताओ। अगर फेक दिखा रहा है तो कंपनी को अप्रोच करो, सपोर्ट को कांटेक्ट करो उनके, वो भी नहीं होता है तो कंज्यूमर फोरम तो है ही, कंज्यूमर कोर्ट में आप केस डाल सकते हो, यू हैव द राइट। सो दैट्स इट, और भी वीडियोस बनाऊंगा, जैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वुडमैन कैसे लोगों को चीट कर रहा है, इफ आई मे से सो, तो उसका देख लेंगे। ऑलराइट देन, थैंक्स।